जा रहा हूँ पहाड़ों की ओर। थोड़ा सा मेरा काम है तो मैं अपने गांव की ओर जा रहा हूँ। यहाँ पे रुका है महेश, को देखिए यहाँ पर रुक रखा है। सोनू भैया भी उनके साथ, वो जा रहे हैं देहरादून। देखिए दोस्तों कितना जाम लग रखा है आज यहाँ देहरादून में। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ कांडाताल में, और ये है बड़ी मम्मी और का घर। बाकी वो सामने पर था हमारा घर। तो मैं बताता हूँ, मैं सड़क पर आ गया हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुर्गी कैसे बनानी है। सबसे ये देखिए, ये बन गए मुर्गा मुर्गी दोनों। गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं देवभूमि उत्तराखंड से योगेश। तो हेलो, हाय, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आ चुका हूँ मैं अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। तो ये ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने रूम से, सैलाकुई से। तो अभी मैं जा रहा हूँ पहाड़ों की ओर, थोड़ा सा मेरा काम है तो मैं अपने गाँव की ओर जा रहा हूँ। तो आज है, आज मेरी छुट्टी है तो मैं जा रहा हूँ। फिर मैं कल को वापस आ जाऊँगा, वहाँ से रिटर्न हो जाऊँगा। तो अभी यहाँ पर बज चुके हैं दोपहर के 1 बजे 1:30 बजने वाले हैं। तो मैं अभी निकलता हूँ, फिर और लेट भी हो जाएगा क्योंकि वहाँ का मौसम काफ़ी ख़राब रहता है इसकी वजह से। तो अब निकलते हैं फटाफट से, फिर रास्ते में मिलते हैं आप लोगों को। देखिए अभी मौसम कितना साफ़ हो रखा है, सफ़ेद सफ़ेद बादल लगे हुए हैं। तो मौसम तो साफ़ है इस साइड, बाकी पहाड़ों साइड शायद बारिश होगी। और यहाँ पर अभी बूंदाबांदी तो लग रखी है हल्की हल्की। तो अभी निकलेंगे हम यहाँ से, मैं अकेला जा रहा हूँ, बाकी पूजा जा रखी है वहाँ। तो पूजा आएगी मेरे साथ नीचे। ये देखिए पिंडालू लग रखे हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पर लगा रखे हैं, फूल भी लगा रखे हैं यहाँ पे अच्छे अच्छे तो अभी निकलते हैं फिर यहाँ से फटाफट से, वरना बारिश हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी फिर। फाइनली दोस्तों मैं निकल चुका हूँ और मैं अब पहुँचने वाला हूँ डाट काली माता मंदिर के पास में। और महेश कॉलेज जा रहा है तो उसका टायर पंचर हो गया था, तो वो टायर पंचर डलवा रहा था तो वहीं पर है वो। फिर निकलते हैं, वो बल्लभपुर तक जाएगा, फिर वहाँ से मैं अकेला निकल जाऊँगा। तो चलते हैं फिर। पे रुका है महेश, को देखिए यहाँ पर रुक रखा है। सोनू भैया भी उनके साथ, वो जा रहे हैं देहरादून। ये देखिए देहरादून जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, तो अब निकलते हैं फिर यहाँ से, मेरे को भी लेट हो जाएगा भाई। देखिए दोस्तों कितना जाम लग रखा है आज यहाँ देहरादून में। भाई साहब इतना बड़ा जाम लग रखा है, अब कैसे निकलेंगे यहाँ से, ये पूरा जाम लग रखा है भाई। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ कांडाताल में, और अभी अभी पहुँचा जस्ट, और शाम के बज चुके हैं 5:30। काफ़ी ठंड हो रही है यहाँ पर, बाकी मतलब बारिश में काफ़ी भीग चुका था मैं, लेकिन मैंने रेनकोट भी ला रखी थी, उसकी वजह से थोड़ा सा बच चुका हूँ मैं। और उस साइड मतलब जो देहरादून से ऊपर मसूरी की साइड रोड लगी ना, वहाँ से लेके बारिश कंटिन्यू लगी कद्दूखाल तक, वहाँ से बारिश लगी। तो मैं बीच में वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए वहाँ पर काफ़ी तगड़ी बारिश हो रही थी। तो अभी मैं कांडाताल में मतलब घेदार में पहुँच गया हूँ, और यहीं पर बबलू भैया भक्कू भैया लोगों के घर पर रहूँगा आज, तो क्योंकि ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग चुकी थी और कपड़े तो भाई गीले हो रखे हैं एकदम। बाकी मौसम दिखाता हूँ यहाँ का आप लोगों को। देखिए वहाँ पर जो कद्दू खाल है ना, उस साइड देखिए जो सुरकंडा देवी टेंपल है ना, उस साइड पूरा कोहरा लग रखा है, उसके पीछे की साइड पूरा कोहरा। ये देखिए कोहरा कितनी तेज़ी से आ रहा है भाई, मतलब उस साइड पीछे बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है तगड़ी सी। और इस साइड साफ़ है थोड़ा सा, ये देखिए इस साइड पूरी धूप लग रखी है, जैसे इस साइड पूरा साफ क्लियर हो रखा है मौसम। तो मौसम का भी अलग अलग है, अभी काले वाले बादल उस साइड जा रहे हैं, मतलब उस साइड होगी बारिश चंबा और की साइड, और इस साइड अभी पूरा क्लियर है। बाकी मैं अभी यहाँ पर रुका हूँ, यहाँ पर मतलब बगीचे में आ रखा हूँ। और यहाँ पर देखिए इस मतलब इन वाले पेड़ों पे तो सेब है नहीं, ये सारे तोड़ दिए हैं इस साइड के, उस साइड है शायद थोड़ा बहुत सेब। बाकी देखिए ये है भक्कू भैया लोगों का घर, ये है सामने पे, इसी के पीछे जस्ट पीछे स्कूल है, हम यहाँ पर पहले बहुत आते थे। बाकी ये है हमारा गांव, छोटा सा गांव। ये देखिए कितना सुंदर, हरियाली पूरी हरियाली छा रखी है भाई चारों तरफ। और ये है बड़ी मम्मी और का घर, बाकी वो सामने पर था हमारा घर, और वहाँ पर अंकल और का घर है। बाकी ऊपर भी था हमारा घर, अभी दिख नहीं रहा यहाँ से क्लियर, क्योंकि मैं अभी यहाँ बगीचे में आ रखा था तो इस साइड से नहीं दिख रहा ना। तो ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है भाई, तो देखते हैं यहाँ आज क्या क्या करते हैं भाई।
बाकी जो ये घर है ना, अभी वहाँ पर कोई नहीं रहता, पूरा बंजर हो रखा है। मतलब जब हम रहते थे तब तो हम वहाँ सफाई सफाई करते थे, खेतों की खेती करते थे और मतलब पूरा क्लियर रखते थे। अब वहाँ पर कोई रहता नहीं है तो पूरा ऐसा हो रखा है, पूरी झाड़ी झाड़ी हो रखी है। तो शायद जानवर जानवर वहीं घर पर पहुँच जाते होंगे। बाकी हम लाते थे पानी, पानी लेने हम बताओ कहाँ जाते थे, वहाँ से नीचे, यहाँ नीचे गदेरे तक आते थे पानी लेने के लिए। तो वहाँ से पानी ले जाते थे, फिर ऊपर की ओर उस साइड की ओर ले जाते थे, मज़ा आता था पू भाई साफ। तो अभी तो वहाँ पर कोई नहीं रहता, वहाँ पर भी नहीं रहता, वहाँ पर भी नहीं रहता, तो अभी तो कोई नहीं है। मतलब गांव में अब काफ़ी कम लोग रह चुके हैं ना। ये देखिए ऐसा कुछ हो रखा है अभी भाई, मौसम भी ऐसा हो रखा है ना। बाकी उस पीछे वाली जो धार है ना, उस साइड है शिवाली पातल और भमोरी खाल, उसी साइड है। और ये है लाल मिट्टी बोलते थे हम, यहाँ जाते थे लकड़ी लेने भाई, यहाँ से लेके जाते थे, पूरा नीचे मतलब सारे जंगलों में जाते थे लकड़ी लेने। तो काफ़ी अच्छा जीवन बीता था हमारे इस गांव में हमारा। तो अभी मैं इस सड़क की साइड जाता हूँ, बाकी मैं देखने आया था सेब लगे हैं कि नहीं लगे हैं। तो सेब शायद तोड़ दिए हैं, यहाँ पे कम भी आ रखे थे तो अभी तो है नहीं। बाकी घास भी देखिए कहीं कहीं पे काट रखा है और कहीं कहीं पे इतना बढ़िया घास आ रखा है ना। और बाकी पूरा हरा भरा हो रखा है गाँव। तो ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही थी तो मैंने जैकेट मांगी थी भैया से, तो जैकेट तो मस्त हो रखी है भाई, एकदम गर्म हो गया अब। और ये जो यहाँ पर लग रखे हैं ना, ये फूल जैसे, इनके हम मुर्गे बनाते थे, दोनों को पकड़ा। अभी देखो मैं बना के दिखाऊंगा आप लोगों को वहाँ सड़क पे। तो अभी मैं सड़क की ओर जाता हूँ पहले। तो ये है कुछ खेतों का रास्ता, छोटा मोटा रास्ता बना रखा है। तो सड़क में जाके पहले एक बार आश्रम का व्यू दिखा देता हूँ आप लोगों को, फिर इनके मतलब वो मुर्गी मुर्गा ये बना के दिखाता हूँ। पहले चलते हैं, ये ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ पे। और ये है जो सुरकंडा वाली पाइपलाइन आ रखी है, बाकी सबके घर घर में अब पानी चले गया है। पहुँच चुका हूँ मैं सड़क पे और इस साइड पीछे के साइड का नज़ारा देखिए आप लोग, ऐसा कुछ नज़ारा है। ये देखिए भाई, यहाँ नीचे भी जाते थे हम पूरे, मतलब पूरा घूम रखे हैं, पूरा बचपन हमारा तो यहीं बीता है तो घूमना नहीं है। बाकी सबसे पहले था हमारा घर वो मंदिर के ऊपर, वहाँ पे ना, वहाँ पे था हमारा घर। उसके बाद नीचे की ओर हुआ था और गए थे हम लोग, तो यहाँ पर था एक बहुत पुराना पेड़, अभी तो जल चुका है पूरा। बाकी ये देखिए यहाँ पर बबलू भैया भी आ चुका है अंदर से। ओ भाई भाई राइडर भाई गिरे ना, ऐसा क्या चल रहे हैं। दूसरा भी आया भाई, अरे बाइक है तो घुमाएंगे ही। बाकी ये है आश्रम, ये देखिए सामने पे। तो आगे जाके दिखाता हूँ मैं आश्रम आप लोगों को। तो मैं बताता हूँ, मैं सड़क पे आ गया हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि मुर्गी कैसे बनानी है। सबसे पहले इसे जो ये है ना, ये वाला हिस्सा, इसे तोड़ देंगे, इसे फेंक देंगे। बाकी यहाँ से थोड़ा सा और तोड़ देंगे तो जो ये है ना, इसकी ये टांगें दिख रही है ना आप लोगों को, इसको ऐसे निकाल देना है। और जो यहाँ पर छेद है ना, एक होल है, इस पर डाल देना है ऐसे, और एक और तोड़ देना है। दो दो टांगें होती है इसकी, तो ये भी तोड़ना है, फिर इसमें डाल देना है। कहीं गिरे ना भाई, ये ऐसी बाइक सूत्रा ना। ये देखिए ये बन चुका है मुर्गी भाई, ये देखिए मुर्गा मुर्गी दोनों बना लिया है मैंने। ये देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को, मस्त बन गए एकदम। अभी मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ, अभी दिख नहीं रहे ना साफ। ये देखिए ये बन गए मुर्गा मुर्गी दोनों, और कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं मुर्गा मुर्गी भाई साहब। ऐसे बनाते थे हम पहले पहाड़ों में भी। ये देखिए सामने का नज़ारा देखते हुए ये दोनों आराम से बैठ रखे, अरे गिर गया। तो यही थे मुर्गा मुर्गी, तो इनको फेंक देते हैं अब। ये देखिए अब नज़ारा दिखाता हूँ मैं आप लोगों को आश्रम का। देखो आने जाने वाले सारे साथ खड़े हैं, कभी ना कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे। ये है दोस्तों ओमकारानंद सुरकंडा विद्यानिकेतन स्कूल, जहाँ हमने LKG UKG पढ़ा था, ये वाले स्कूल में। तो अभी रात हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए ये वाला स्कूल है, अब तो बहुत बड़ा बन चुका है, ऊपर ग्राउंड है इसका। तो अभी रात हो चुकी है ना, तो रात को ऐसा दिखता है यहाँ का नज़ारा। ये देखिए बाकी सामने पर कैंप कॉटेज बने हैं इस साइड, और यहाँ पर पता नहीं क्या कौन से चिड़ी है, क्या है ये टेण कर रहे हैं। तो सेब ख़त्म हो रखे हैं भाई, यहाँ के सारे टूट गए।
निकस जैक नहीं लग जैक नहीं वे।